यादव तो की जो आबादी की बात जब हो रही है तो हैं यहां पर तो एक नंबर इसीलिए हम क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक मैसेज लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम किया है मोहन यादव को बनाकर के मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव का काट उसने वहां खोजा है देश के स्तर पर तो या मोहन यादव के बाद एक दूसरा यादव का चेहरा बिहार में दिखाई पड़ेगा आपको और वह दिखाई भी क्यों ना पड़े क्योंकि सामने लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी, प्रसाद यादव हैं तेजस्वी ही विजन वाले नेता हैं जितने युवा हैं जितने छोटे हैं वो उम्र में लेकिन वह विजन रखे हुए हैं और इसी विजन के कारण देखिए ए टू जेड की बात करते हैं वो नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखिए एमपी का सीएम कौन होगा ये सवाल सभी के जेहन में थे सभी जानना चाहते थे कि आखिर एमपी का सीएम कौन होगा और आपने देखा है कि बीजेपी ने अचानक एकाएक -एक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया देखिए आपको मालूम है कि ये दाव बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जरूर चला है, लेकिन इस दाव का बड़ा असर बिहार में भी देखने को मिलेगा तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थैंक यू तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा दाव दाव चल दिया दिया और मोहन यादव को 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 मुख्यमंत्री बना दिया है इस फैसले को, इस फैसले आप कैसे देखते हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसी तरह नहीं कही जाती है वो एक एक कदम फूंक फूंक कर चलती है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो एक अनारक्षित वर्ग से कह लीजिए सवर्ण समाज से कह लीजिए वो उससे आते थे उनका रिप्लेसमेंट कौन है मोहन यादव है तीन बार के एमएलए हैं लेकिन हाँ पढ़े लिखे हैं यादव में पढ़े लिखे हैं और पीएचडी एच डी संभवतः किए हुए हैं तो हुँ, हुँ, ऐसी हुँ, परिस्थिति में यह एक मैसेज भी देने का काम किया गया कि देखिए हम यादव में बनाए हैं पिछड़ा समाज से बनाए हैं सवर्ण को हम लोगों ने दरकिनार किया है और ये बार बार जो राहुल गांधी कहते थे कि हमारे चार स्टेट में हमारी जैसे चुनाव प्रचार के दौरान चार स्टेट में हमारी सरकार है उसमें से तीन जो है सो पिछड़ा समाज से लोग हैं या अति पिछड़ा समाज से हैं तो वह उस उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इसका जवाब नहीं था लेकिन जी जब भी अब पासा पलटा है नहीं, वो देखिए मध्य प्रदेश में उन्होंने करके दिखाया है कि देखिए हम पिछड़ा समाज से आते हैं मोहन यादव को बढ़ाए हैं और वो पढ़े लिखे हैं पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है तो वो तो इसका अब देखिए कहीं ना कहीं जो बिहार में है जो इस, इस कंटेक्सट में हम लोग बात करना चाह रहे हैं बिहार में जो जातीय सर्वे जातीय आंकड़ा आया है उसमें जादव टॉप पर है पर तो जी। उसको हैदव की जो आबादी की बात जब हो रही है तो 14.26 प्रतिशत है यहां पर जी जी। तो एक नंबर इसीलिए हम कह रहे हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से कई लोगों का जो जादव समाज से आते हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं जो नेता हैं उनका

की नब्ज को वो जानते हैं तो वो इसी तरह लंबे समय तक बिहार में वो राजनीति नहीं कर रहे हैं तो सुशील उस मोदी ने जो ट्वीट किया है जो कहा है वो सच्चाई है अब देखिए मोहन यादव का की तुलना यदि बिहार के यादव नेताओं से करें तो आपको वहाँ पढ़ा लिखा दिखाई नहीं पड़ेगा तो वो ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक मैसेज लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम किया है मोहन यादव को बना करके मुख्यमंत्री का चेहरा तो सर ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सुशील मोदी के ट्वीट को हम लोग दो तरह से देख सकते हैं एक तो बड़ा कटाक्ष है लालू परिवार पे और दूसरा ये भी हम समझ सकते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के परिवार को यादव नहीं मानते हैं बल्कि गरेड़िया मानते हैं नहीं वो देखिए वो ठीक है वो तो मैं सुशील मोदी हैं और या जो भी लोग हैं वो गरिया माने यादव माने लेकिन क्योंकि तो सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि कहाँ है ये लोग यादव ये तो हैं नहीं ठीक है सम्राट चौधरी कह सकते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के विपक्ष हाँ. में है तो वह उनको बोलने का अधिकार है लेकिन लालू प्रसाद यादव तो ही. जब उनके सरनेम में आप देखिए यादव लिखा हुआ है तो हम लोग यही समझते हैं कि वो यादव, यादव हैं अब उसमें उपजाति में क्या है कैसे हैं वो हम लोग उस पर हम लोग का, का तो रिसर्च है नहीं लेकिन यादव हैं और यादव का वोट जो है सो उनको मिलता रहा है मिलता है और यादव के सर्वमान्य नेता हैं बिहार में बिहार में क्या देश में देश के स्तर पर भी लालू प्रसाद यादव तो उसमें उस पर हम लोग का कोई डिस्कशन नहीं हम लोग ये जो बात वो मैं लालू सुशील मोदी ने कही और उसके बाद सम्राट चौधरी हाँ देखिए दो वो दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं तो दो दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग भी है वो एक ही है देखो, उसमें देखो, कहीं देखो। कोई अलग दो, की मत बात नहीं हाँ, दो मत नहीं चलिए ठीक है लेकिन अब हम इस पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि हमने आपको पहले भी बताया था हमने तफसील से चर्चा भी की है कि जब अमित शाह पटना आए तो उन्होंने बड़ी बात कह दी साफ कह दिया कि यादवों को नाराज नहीं करना है यादवों से पंगा नहीं लेना है और हमने देखा कि कल क्या कुछ हुआ कल एम में मोहन यादव को ही सीएम बना दिया गया तो मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब बीजेपी यादव वोट बैंक को साधने निश्चित रूप से देखिए मोहन यादव का बनाना एक बड़ा मैसेज तो इस्तेमाल 2024 में, में से जगह जगह करेगी और, और यह माना जा रहा है कि मोहन यादव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए इक्का साबित होंगे देश भर में वो घूम के बोलेंगे इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव का काट उसने वहां खोजा है देश के स्तर पर लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मोहन यादव कहां तक स्ट्राइक कर पाते हैं कहां तक बड़ी चीज होगी लेकिन अब इससे भी हम लोग एतराज नहीं कर सकते नेताओं के नाम पर बात करें जिनको बिहार बीजेपी जो है दो में बिहार का सीएम फेस जो है उसको घोषित कर है कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे समझे कि प्रबल दावे दार कौन हो सकता है देखिए प्रबल दावेदारी की जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में बिहार को लेकर के बात है उसमें एक नित्यानंद राय एक यादव में बड़ा चेहरा बड़ा, बड़ा चेहरा। जाना पहचाना चेहरा और सबसे बड़ी बात कि जिसको बीजेपी सीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट कर सकती है निश्चित रूप से निश्चित रूप से वो बिहार भाजपा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस और दूसरी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य चाणक्य ऐसे भी कह लीजिए अमित शाह को तो अमित शाह के वो जो गृह मंत्री हैं उनके ठीक दूसरे पैदान पर वह गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय तो ऐसे में जितनी क्षमति है उनसी नित्यानंद राय की अमित शाह से यह किसी से छिपा भी नहीं है जी, जी, तो वह किसकी भी छोटे से छोटे मुद्दे पर निश्चित रूप से अपने कैबिनेट मिनिस्टर से बात उनकी होती, होती होगी या होती रहती है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के मामले में अगर सीएम फेस की बात होगी तो वह नित्यानंद राय निश्चित रूप से और देखिए पढ़े लिखे भी हैं वो जी 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 जितनी जानकारी हम लोगों के पास में है वह ग्रेजुएट है स्नातक किए हुए हुँ, हैं हुँ। तो वह पढ़े लिखे हैं तो यह या मोहन यादव के बाद एक दूसरा यादव का चेहरा बिहार में दिखाई पड़ेगा आपको और वह दिखाई भी क्यों ना पड़े क्योंकि सामने लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव हैं तो और जो ट्वीट जो सुशील मोदी का है कि तेजस्वी को लेकर के कि हाँ। वह जो है सो पढ़े लिखे नहीं है या जो भी है बार बार गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी करते के लोग कहते हाँ। हैं, करते रहते हैं। करते तो, रहते तो ऐसे रहते में, में निश्चित रूप से ये स्नातक हैं नित्यानंद राय ग्रेजुएट हैं और बड़ा नाम बिहार में है तो ये है। और कई दफ़े के यह एम रहे हैं ए से भी जुड़े रहे हैं शुरू में जो कि जिस तरह से मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं ए से इस तरह से यह भी जुड़े हुए रहे हैं या एक याद होगा लोगों को अडवाणी के रथ यात्रा के समय कोई भी अगर आया था तो वो उस समय कोई नहीं था यादव में या किसी अन्य कुछ शक्ति नहीं थी जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे रथ रोक लिया था, तो रथ के समय यही थे नित्यानंद राय ही मजबूती के साथ निकल करके आए थे तो वो जिसके कारण रूट को डाइवर्ट करना पड़ा था तो यह बात भी इनके साथ में है यह नित्यानंद राय कोई छोटे मोटे ये नेता नहीं है कौन जानता था यादव का नेता की जाकर के कोई नहीं।, नहीं लेकिन नित्यानंद राय निकल करके पूरा हाजीपुर उधर मार्ग में को जाम करके पूरे हजारों समर्थकों के साथ डटे रहे तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से अब उसके बाद देखिए दूसरा नाम एक सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी उर्फ राकेश जी। राकेश कुमार भी उनका नाम है जी, 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 जी। तो वो सम्राट चौधरी का भी नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए है उसमें कहीं कोई निश्चित रूप से क्योंकि देखिए वो कुशवाहा समाज से आते हैं जी पिछड़ा, जी। समाज, पिछड़ा समाज से देखिए पिछड़ा समाज से नित्यानंद राय भी हैं जी जी। और पिछड़ा समाज से जो है सो सम्राट चौधरी भी हैं तो ये पिछड़ा कार्ड जो खेलने की बात हो रही है सब लोग अब पिछड़ा ही के कार्ड खेलने की बात जो कर रहे हैं हम बार बार इस बात को कह रहे हैं तो वो अब लॉकुस कॉम्बिनेशन जो कि नीतीश कुमार इतने वर्षों तक लॉकुस कॉम्बिनेशन को साध करके ही साथ लेकर के ही उन्होंने राज किया बिहार में सत्रह अठारह उन्नीस साल का जो राज हुआ वह इसी लॉकुस कॉम्बिनेशन तो लॉकुस कॉम्बिनेशन के बाद जो जातीय सर्वे आया है उसमें जो एसओ जो बता रहा है सेवन प्रतिशत सात प्रतिशत इन लोगों की जनसंख्या इन लोगों की आबादी है तो उसमें हम बताना भी चाहेंगे कुशवाहा जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं उनका फोर पॉइंट आबादी है और कुर्मी की टू पॉइंट एट प्रतिशत हुँ, तो हुँ। दोनों को अगर आप क्लब कर दीजिए जोड़ दीजिए तो सात प्रतिशत साथ साथ हो जा रहा है तो सात प्रतिशत को साधने की भी कवायद है यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से और इसी को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी भी हुई है। लगी हुई है लेकिन अगर हम फिर भी बात करें कि प्रबल प्रबल दावेदार कौन होंगे तो प्रबल दावेदार नित्यानंद राय निश्चित रूप से नित्यानंद राय अभी जो वर्तमान कंटेक्स में हम लोग देख और समझ पा रहे हैं उसमें नित्यानंद राय का अपर हैंड दिखाई, दिखाई दिखाई पड़ता है इससे ऐतराज नहीं इससे ऐतराज नहीं किया जा सकता ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर हम बात करें टोटली बिहार की बात करते हैं देखिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपको क्या लगता है कि जो एमपी में दाव खेला गया है उसका कितना नुकसान होगा लालू तेजस्वी को देखिए निश्चित रूप से जो ये क्या कहा जा रहा था हुँ. कि भारतीय जनता पार्टी यादव से को साथ लेकर के नहीं चलती है तो यह एक मैसेज देश के स्तर पर और बिहार में भी यह देने का काम किया है और जिस तरह से नित्यानंद राय का प्रोजेक्शन हो रहा है जिस तरह से नित्यानंद राय को उठाया जा रहा है तो नित्यानंद राय के साथ में देखिए एक चीज और समझिए ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं डॉक्टर निखिल निखिल आनंद तो वह भी जो सो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वह डॉक्टर हैं जे से पास आउट हैं तो वो ये सब तमाम लोग वो ज्यादा समाज से हैं मनेर से पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था क्रांति प्रकाश एक बड़ा नाम है वह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वह यह सब जादो लोग जादो समाज से ही लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय के बैकअप के लिए या भारतीय जनता पार्टी के बैकअप के लिए यह लोग पीछे से हैं खड़े और उसके बाद नंदकिशोर है। यादव हैं तमाम ऐसे नंद किशोर यादव जी, जी हैं बिल्कुल तो उसके तो बाद रामकृपाल यादव राम कृपाल यादव हाँ तो ऐसे कई ऐसे चेहरे है जो भारतीय जनता पार्टी कोई ज्यादा से अछूत पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता तमाम तो कई, कई चेहरे तो, चेहरे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है रवि उपाध्याय जी के समीकरण से जो है वो वाई घिसकता हुआ कहीं ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कि लालू तेजस्वी को बड़ा झटका लगे नहीं देखिए तेजस्वी एक बात हम कहना चाहेंगे तेजस्वी भी विजन वाले नेता हैं जितने युवा हैं जितने छोटे हैं वो उम्र में लेकिन वह विजन रखे हुए हैं और इसी तो 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 है, ए ए है यादवों के वोट को कटसाइज किया जाए छोटा किया जाए तो वह लेकिन अब कितना भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी समय बताएगा लेकिन तेजस्वी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है वो आपको ए टू जेड की बात जब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो ए टू जेड को सबको ले करके चलने की बात कर रहे हैं सभी समाज के सभी वर्ग को तो वो ऐसे में निश्चित रूप से जो ए टू जेड के लोग हैं वह तेजस्वी की ओर बड़ी उम्मीद भरी उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि तेजस्वी कुछ अच्छा करेंगे और युवा हैं तेज हैं तरार हैं वो काम करने वाले वो उनमें मादा है तो वो निश्चित रूप से वो कुछ कर भी रहे हैं बिहार के लिए मतलब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका दाव काम करता है किसका दाव किस पर भारी पड़ता है ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज बहुत शुक्रिया